हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब बनाएंगे भाजा की रेसिपी। इसे हम भाजा बोलते हैं, कितने लोग इसे झाल मूढ़ी भी बोलते हैं। यह एक स्ट्रीट फूड है जो बहुत ही चटपटा लगता है। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इसे बनाओ और खाओ। मुझे पूरा यकीन है यह रेसिपी आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। यह इतनी चटपटी रेसिपी है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। देखिए यह कितना टेस्टी बना है झाल मूढ़ी की रेसिपी। रियली फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए बनाते हैं सुपर टेस्टी झाल मूढ़ी की रेसिपी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ मूढ़ी लेंगे, इसे हम लोग लाई भी बोलते हैं। यहाँ मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ। आपको जितने लोगों के लिए बनानी है उसके हिसाब से हम मूढ़ी लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ एक हम बड़ी सी कटोरी लेते हैं, इसमें हम एक प्याज काट कर डालेंगे। प्याज को मैंने ऑलरेडी छील कर धो लिया था, तो चलिए इसे हम बारीकी काट लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखें, मैं इसमें बहुत कुछ बताऊंगी जिससे यह भाजा बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ मैंने एक टमाटर लिया है, टमाटर को हमने धो लिया ऑलरेडी। इसके मुंह को हटा लेंगे और इसे भी हम बारीकी काट लेंगे इस तरीके से। इसे हमें महीन काट लेनी है। आप इसे रफली भी छोटी या बड़े साइज में कट कर सकते हो। टमाटर काटने के बाद नेक्स्ट ऐड करेंगे आलू। मैंने दो आलू को बॉईल कर लिया था, बॉईल आलू इसमें ऐड करनी है। इसे हम रफली बड़े या छोटे पीस में काट लेंगे। तो चलिए इसे हम बड़े छोटे पीस में कट कर लेते हैं। दूसरा आलू भी मैं कट कर लेती हूँ। आलू कट करने के बाद नेक्स्ट हम कट करेंगे धनिया पत्ती। तो इसके डंठल को हम हटा लेते हैं, बस आधे ही धनिया लेंगे और इसे हम छोटे पीस में कट कर लेते हैं। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हमको रफली कट करनी है। यहाँ मैंने एक हरी मिर्च लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद हो तो आप एक की जगह पे दो या तीन ज़्यादा हरी मिर्च ले सकते हो। इसे हम कट करके डाल लेते हैं। नेक्स्ट ऐड करेंगे नींबू। आधा मैंने नींबू का रस निचोड़ा है। अब इसमें हम डाल देंगे मूढ़ी, जिसे हम लाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे अपने हिसाब से रोस्टेड मूंगफली। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे चना, जिसकी सत्तू बनते हैं। अगर यह ना मिले तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, पर इसे डालने से भाजा का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट ऐड करेंगे सेब भुजिया। नेक्स्ट डालेंगे मिक्सचर भुजिया। नेक्स्ट ऐड करेंगे किसी भी ब्रांड का जो पॉकेट वाले भुजिया होते हैं वो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट ऐड करनी है चिली फ्लेक्स। नेक्स्ट हम डालेंगे भुना हुआ जीरा मसाला। नेक्स्ट काला नमक ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच, और आधा छोटा चम्मच से भी कम सफ़ेद नमक। यहाँ हम लेंगे मिर्ची अचार का तेल, इसमें मैंने थोड़ा सरसों तेल डाला है, उसे हम मिर्ची के अचार में मिक्स करके डालेंगे। तो इसमें से हम दो से तीन चम्मच ऐड करेंगे, जिससे भाजा का टेस्ट बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगता है। तो इसे भी हम डाल लेते हैं। यहाँ मैंने तीन चम्मच के बराबर डाला है। एक चम्मच सरसों तेल ऐड करेंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, इसमें जो हम प्याज और टमाटर और आलू डाले हैं उसे हमें पहले ही कट कर लेनी है। बाद में इसमें जो मूढ़ी या लाई है उसे ऐड करनी है। यह भाजा हमें तभी बनाना है जब हमें खाना हो, क्योंकि ज़्यादा देर छोड़ने से ये सॉफ्ट होने लगते हैं। इसमें जो मूढ़ी होती है लाई, वो सॉफ्ट होने लगती है क्योंकि इसमें हमने प्याज टमाटर डाले हुए जो पानी छोड़ने लगते हैं। इसीलिए इसे हमें जस्ट ही बनानी है और जस्ट खा लेनी है। ऐसे ये थोड़े सॉफ्ट भी हो जाए फिर भी अच्छे लगते हैं, पर ऐसे खाने से वो चटपटे और टेस्टी ज़्यादा लगते हैं। तो देखते ही मुँह में पानी आ रहा होगा ना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी वाला भाजा बनाया है हमने। चलिए इसे मैं सर्व करती हूँ। यह बनाना जितना ही आसान है खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। चलिए मैं टेस्ट करती हूँ। देखिए यह बहुत ही यम्मी टेस्टी दिख रहा है। ये बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स, रियली एक बार आप बनाकर खाओ, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। शाम के नाश्ते में इसे आप बना सकते हो या ऐसे भी जब मन करे आप इसे बना लो। यह स्ट्रीट भाजा है जो बहुत ही टेस्टी लगता है। यह हमारे यहाँ पेपर वाले ठोंगे बना के बेचते हैं, तो इसमें हम भाजा को डाल देंगे। कैसा लगा आप सबको यह भाजा की रेसिपी? यह स्ट्रीट फूड बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगता है। इसके ऊपर हम थोड़ा भुजिया डाल देंगे। तो चलिए इसके ऊपर हम भुजिया डाल देते हैं। तो बहुत ही टेस्टी सा भाजा बनकर रेडी है, आप इसे एंजॉय कर सकते हो। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मैंने और भी बहुत सारे चटपटे रेसिपीज अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप उसे वॉच करो, आपको बहुत ही पसंद आएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारे वीडियोस के लिंक डाल देती हूँ, आप उसे वॉच कर सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सब भी यह झालमुड़ी ज़रूर बनाएं, खाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।